हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट, मफलर। ये डिज़ाइन सिर्फ 6 रोज का डिज़ाइन है। आपको ये 6 रोज रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 7 + 2 एज स्टेज में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 7 + 2। देखिए, रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 7 2 × 7 14 + 2 एज स्टिच करके टोटल 16 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको एक फंदा एज स्टिच स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए, फर्स्ट में आपको 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3, 3 फंदा सीधा धागा आगे करना है। अब 1 फंदा उल्टा धागा पीछे, अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए, स्लिप फंदा को छोड़कर 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, यही करके आपको पूरी रो कंप्लीट करना है। देखिए, फिर से रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। देखिए, यहाँ पर आपको बीच में 6 फंदा सीधा आएगा, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से 3 फंदा सीधा, 1 2 3। देखिए, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको लास्ट में एज स्टिच राइट साइड पे सीधा बुनना है। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको देखिए सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा करना है। 1 फंदा एज स्टिच स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट में 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा इसको सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। देखिए, अब आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है, एक बार रिपीट हुआ है, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 2 3। देखिए, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है, फिर आपको लास्ट में 1 फंदा बच गया एज स्टिच उल्टा होना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो राइट साइड, थर्ड रो और राइट साइड आपको भी रो 1 जैसे बुनना है। देखिए, 1 फंदा स्लिप, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर धागा आगे करना है, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके, फिर से 3 फंदा सीधा, 1 2 3। देखिए, अब ये रिपीट करना है आपको स्लिप फंदा को छोड़कर, 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा। एक बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। देखिए, 2 बार रिपीट हुआ है, फिर एज स्टिच राइट साइड पे सीधा बुनना है। फोर्थ रो कंप्लीट कर ली, सॉरी थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ रो देखिए, फोर्थ रो आपको रो 2 जैसे बुनना है। रॉन्ग साइड 1 फंदा स्लिप, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। देखिए, ये रिपीट करना है आपको, 3 फंदा सीधा, सॉरी 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। देखिए, यहाँ तक
दो बार रिपीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा रॉन्ग साइड पे उल्टा बुनना है। फोर्थ थ्रो भी कंप्लीट कर लिया है, फिफ्थ थ्रो राइट साइड। देखिए फिफ्थ थ्रो में आपको अब डिजाइन डालना है, एक फंदा एडजस्ट स्लिप करना है, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये उल्टा फंदा के नीचे की सलाई में आपको देखिए इस सलाई में आपको चार फंदा नीचे से आपको एक फंदा ड्रॉ करना है, एक दो तीन चार, यहाँ से आपको चार फंदा नीचे से आपको एक फंदा ऐसे ड्रॉ करना है ऐसे, फिर एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनना है। अब ये तीन फंदा बुनने के बाद फिर से आपको सेम होल से फिर से एक फंदा ऐसे ड्रॉ करना है। देखिए अब दो फंदा सीधा, एक दो, अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर दो फंदा सीधा, फिर एक फंदा ड्रॉ करना है, फिर बीच में एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से ड्रॉ करना है एक फंदा, फिर दो फंदा सीधा। अब ये रिपीट करना है, देखिए फिर से रिपीट, यहाँ पर फिर से रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए अब ये उल्टा फंदा के नीचे से आपको चार फंदा सलाई से आपको चार फंदा फोर्थ होल से आपको एक फंदा ड्रॉ करना है, एक देखिए एक दो तीन चार। अब बीच में एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और फिर से सेम होल से आपको एक फंदा ड्रॉ करना है, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बचेगा एडजस्ट सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, सिक्स रो रॉन्ग साइड। देखिए सिक्स रो रॉन्ग साइड, एक फंदा एडजस्ट स्लिप करना है, फिर ऐसे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर यहाँ पर देखिए आपको एक फंदा उल्टा फंदा और ड्रॉ किया फंदा, इस फंदा को देखिए नीट वाइज स्लिप करना है, धागा आगे रखना है इसे, एक दो। अब इस दो फंदा को आपको उल्टे से देखिए इस बैक लूप से आपको यहाँ से आपको इसे बैक लूप से दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यहाँ पर एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक सीधा फंदा, फिर धागा के फिर से एक फंदा उल्टा, फिर ड्रॉ किया फंदा एक लूप और पीछे के उल्टे के फंदा, ये उल्टा फंदा को दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। देखिए अब आपको ये रिपीट करना है बार बार, स्लिप फंदा को छोड़कर एक फंदा उल्टा, दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए एक बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा स्लिप करना है, एक दो, फिर इस दो फंदे को एक फंदा बनाना है, देखिए इसे बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर ये दो फंदे को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। देखिए दो बार रिपीट हुआ है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, फिर लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा स्टिच रॉन्ग साइड पे उल्टा बुनना है। देखिए आपको सिक्स रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से सिक्स रो तक ही रिपीट करना है, फिर से यहाँ से आपको देखिए रो वन से स्टार्ट नहीं करना है, आपको रो थ्री से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आपको रो वन एंड रो टू आपको स्किप करना है, आपको यहाँ से रो वन एंड रो टू नहीं बुनना है, यहाँ से आपको रो थ्री से स्टार्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर रो फोर रो तक ही आएगा, फिर आपको लास्ट में देखिए सफुल डिजाइन आएगा।
लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।